में हमारी पार्टी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वेलकम कर रही है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से जो एक प्रोसेस क्रिएट की जा रही है कि जिसमें जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज ओपन हो जाएगी। बट उसमें हमारी पार्टी की एक डिमांड है, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारे को कम से कम 35% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर आ जाएगी, जो हम लोग 28,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो 28,000 करोड़ उनके पास चला गया अच्छी बात है, बट उसका ये नहीं पता है कि उनकी मोनोपोली कहां तक होगी, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर आ जाएगी, जब उसको टैक्सेशन फ्री दे देंगे, आप जीएसटी फ्री देंगे पाकिस्तान के लिए, बाकी सब बिजली पावर में उनको कटौती करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि स्टेट यूटी गवर्नमेंट हमारी उसमें सबसे बड़ा काम करे कि जो उसमें एम्प्लॉयमेंट मेन पैकेज हो, उस एम्प्लॉयमेंट पैकेज में जम्मू कश्मीर के यूथ को ऑलमोस्ट 35-40% रिजर्वेशन होनी चाहिए, और साथ में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है उसमें भी 35% हम रिजर्वेशन चाहेंगे कि हमारे नौजवानों के लिए जो हमारे बिजनेस सेक्टर में बैठे हैं, बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, या जो कोई अनएम्प्लॉयड यूथ बिजनेस सेक्टर में अंदर घुसना चाहता है, काम करना चाहता है, उनके लिए। दूसरी बात है हमारी जो रिसेंटली एलजी साहब से हम लोग गुजारिश करते हैं, रिलेटेड जो हमारे कश्मीरी पंडित के लिए अभी तक भी कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्लियर नहीं है कि उनको वापस जाना है, उनको यहां रहना है या उनको क्या करना है। आपके मीडिया के माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, एक पॉलिसी क्लियर करें क्या है उनके लिए। जैसे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एक पॉलिसी क्रिएट हो गई थी जिसमें पीएम पैकेज निकला था, जगति बनी थी, उसी तरीके से एक क्लियर पॉलिसी करें कि रिहैबिलिटेशन में क्या हम उनको वापस ले रहे हैं, अगर वापस ले रहे हैं तो वहां पर कहां पर किस जगह में कौन सी जगह पर बिठा रहे हैं। क्या ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी खाली एम्प्लॉयज के लिए है, या ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी उन सब 4 लाख कश्मीरी उन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए है जो वहां से उस वक्त में निकले हैं, जो 44,000 रजिस्टर्ड है उसके बगैर में विदाउट रजिस्ट्रेशन भी, और कुछ 4-5-8 हजार है यहां पर दिल्ली में, बाकी सब ऑल ओवर इंडिया में भी 8-10 हजार रजिस्ट्रेशन, विच इज अराउंड 54-55,000 टोटल रजिस्ट्रेशन है, जिसमें रिलीफ जा रहा है टोटल 21,000 को। तो उन सब चीजों की हम लोग क्लियर एक मैसेज चली जाए, एक क्लियर प्रोसेस निकला जाए, और